हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिर्फ 10 मिनट में बहुत ही स्वादिष्ट भिंडी की सब्जी बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए गैस ऑन करके एक पैन को गरम करेंगे और इसमें 2 चम्मच तेल डालकर अच्छे से गरम होने देंगे। तेल को गरम होते ही आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच राई डालकर इनको कुछ सेकंड्स के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 3 बारीक कटे हुए प्याज डालकर इनको 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पे प्याज है वो अच्छे से भुन गए हैं। तो अब हम इसमें ये बारीक टुकड़ों में काटी हुई भिंडी डाल देंगे। भिंडी आप अपनी पसंद से किसी भी साइज में काट सकते हैं। अब इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर डालकर इसको हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि जो हमारी सब्जी है वो बहुत ही खिली खिली बने। तो आप ये वाला प्रोसेस ज़रूर करें, 2 मिनट इसको ज़रूर भूनें। तो यहाँ पे हमारी भिंडी अच्छे से भुन गई है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जैसे 3 छोटे चम्मच के करीब धनिया पाउडर डाल देंगे। इसमें धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा जाएगा। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच चाट मसाला और 1 छोटा चम्मच नमक डालकर सभी मसालों को भिंडी के साथ में अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद जो गैस का फ्लेम है उसको हम मीडियम टू लो कर देंगे और सब्जी को इस तरह से आधा ढककर इस तरह से थोड़ा सा खुला रखेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। ये सब्जी सिर्फ 7 मिनट में पककर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा 7 मिनट हो गया है और सब्जी पककर तैयार हो गई है। ये देखिए हमारी सब्जी कितनी खिली खिली, एक एक भिंडी खिली खिली बनकर तैयार हुई है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।